ब्रेक शू एकदम रगड़ रगड़ खत्म हो गया है। हाय हेलो वेलकम बैक। और आज हम लोग ये गाड़ी पे काम करने वाले हैं, ये गाड़ी पे काम करेंगे कि मतलब ये वाला ब्रेक शू हम लोग बदलेंगे ये गाड़ी का। और इसका हम लोग का पीछे वाला ब्रेक शू हम लोग का पुराना हो गया है, मीन्स हम लोग का ब्रेक ड्रम खोलेंगे, इसलिए हम लोगों ने ये ब्रेक शू ले लिया है, जो कि हम लोग का ब्रेक शू हम लोग को पड़ जा मतलब लगती है कुछ इस टाइप का लगती है। और ये हम लोगों ने जेन्युइन पार्ट्स मतलब हम लोगों ने ये होंडा शोरूम से लिया, वहीं से लिया या बाहर से नहीं लिया, तो होंडा शोरूम से। और यही हम लोग का प्राइस यहाँ पर पड़ जाती है इतना 233 रुपीज़। और जो हम लोग का यहाँ पर मिलती है दो पीस में और बीच में स्क्रीन के साथ कनेक्ट करती है, मैं कुछ देर में फाड़ूंगा। और यहाँ पर लोगो आप लोग देख सकते हैं, तो इसको फाड़ के कुछ देर में देखते हैं। और इसको लगाने के लिए तो हम लोग को ये ब्रेक ड्रम खुलना पड़ता है, और ब्रेक ड्रम हम लोग का यहाँ मिलती है, और इसके लिए तो हम लोग को ये वाला नट खुलना पड़ता है। और तो चलिए तो खोलने स्टार्ट करते हैं। और जो ये नट खोलने के लिए हम लोग ये एल स्पैनर का यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग का 24 mm वाला ये है। तो चलिए हम लोग खोलते हैं, इसके बाद निकालते हैं इसका पुराना वाला ब्रेक शू को और ये नया वाला हम लोग इंस्टॉल करते हैं। आगे भी भाग रहा है गाड़ी। और हम लोग एक प्रोडक्ट हम लोगों ने अमेजोन से देखा था, जो कि हम लोग का WD-40 है, तो हम लोग का आ गया, तो चलिए इसको देख लेते हैं। और मैंने इसे 300 रुपीज़ में मैंने ऑनलाइन ले लिया था, और जो कि अभी निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोग को अभी ज़रूरत पड़ रहा है। और बहुत दिन से मैं यूज़ करने का सोच रहा था, मतलब वन प्रोडक्ट 1000 यूजेस, वैसे वो लोग का कुछ मोटो ओटो है, तो यही है, इतना ml का है, 341 ग्राम का है, और 420 है। यहाँ पर प्राइसिंग कुछ ऑफर्स चल रहे थे इसलिए हमको 300 में मिल गया। और यहाँ पर हम लोग को पाइप मिल जाती है एगो, और ये कुछ नहीं, ये मतलब यहाँ पर आप लोग का नट जहाँ टाइट रहेगा तो इसको हम लोग डुप्लिकेट करने में यूज़ करते हैं, मतलब खुल जाता है। और या फिर कहीं भी वो स्प्रे क्लीनर भी है, वो मतलब बहुत सारे यूजेस है, आप लोग देख सकते हैं आप लोग इसका नेट में। तो चलिए इसको लगाते हैं। मतलब तो यहाँ पर कुछ यूजेस दिए हुए हैं, लूजन नट्स एंड बोल्ट्स, यहाँ पर लुब्रिकेंट एंड प्रोटेक्शन एयर टूल यहाँ पर यूज़ करेंगे यहाँ पर, जो कि हम लोग का नट पूरा टाइट हो गया है। तो लगाते हैं कुछ काम करता है कि नहीं भाई, हम लोग का पहला ही चीज़ है ये, मतलब हम लोगों ने ये WD का लिया है। तो और ये लग तो गया भाई, कुछ देर वेट करते हैं। और ये बहुत टाइट हो गया था, हमको बहुत दिन से वैसे पड़ा हुआ था, और इसका चेक कर लीजिएगा, लिंक मैं भी दे दूंगा इसका। तो चलिए हम लोग खोलने का कोशिश करते हैं, और ये 24 mm वाला से, और ये, और चलिए फाइनली हम लोग का खुल गया है। इसमें पूरा दम लगाना पड़ा और बहुत ट्राई करने के बाद ये खुला है। कुछ हुआ? और ये वही बाबा, ओह बड़ी मुश्किल के बाद ये खुला है हम लोग का। और ये है ड्रम, ब्रेक शू एकदम रगड़ रगड़ खत्म हो गया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का ब्रेक शू पूरा ख़त्म हो गया है, पूरा चिकना हो गया है, तो और मेटल पहुँच गया है, तो इसलिए हम लोग बदल रहे हैं। तो खोलते हैं और ये टान करके अलग, और ये खुली है, यही इस तरह मिलती है। हम लोग कितना पुराना हो गया था, कितना गंदा हो गया था, तो वही वो का हो गया, साफ कर लिए। तो चलिए इसको पैकेट खोल लेते हैं इसका। चलिए इसको लगा लेते हैं। एक साइड लगा लिए और अभी दूसरा साइड लगा लेते हैं। और ये हम लोग का हो गया है, ओह चलिए हम लोग का ये बन गया। तो चलिए हम लोग ये टायर लगा लेते हैं।
और हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ये ब्रेक शू लगा लिए हैं दूसरा वाला, और पहले हम लोग का ब्रेक नहीं लगता था, अब लगेगा आई होप। और हम लोगों ने ये पार्ट हम लोगों ने होंडा शोरूम से ही लिया, क्योंकि हम लोग बाहर से थोड़ा हम लोग को दूसरा सामान भी मिल सकता था। और ये आगे पीछे वही ब्रेक शू लगता है, वो जो वैसे बोला आगे पीछे कोई डिफरेंस नहीं लगता बाइक की वजह से, नहीं कि आगे दूसरा लग गया पीछे दूसरा लग गया, तो यही है और कुछ नहीं है। ईजी था, सिंपल था, बस हम लोग को ये नट खोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा, पूरा एफर्ट लगाना पड़ा। और ऐसे बात तो नहीं था कि मतलब नहीं खुला, हम लोग का खुल गया है। और जो WD जो प्रोडक्ट था उस तो काम किया नहीं किया उतना नहीं लगा, क्योंकि हम लोग को पूरा दम ही लगाना पड़ा। तो यही हम लोग का ये वीडियो रहा, आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा या फिर हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ढेर सारा लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ कहना है या कुछ सजेशंस देना है तो नीचे कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और वैसे ही हम लोग का ढेर सारा वीडियोस देखना है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।